वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक्सटेंडेड वीकेंड के ग्राफ देखें, ठीक बात है। एक सेल कॉल की बात करते हैं, बजाज फाइनेंस 6770, एक बार जरा इस पे आउटलुक दीजिएगा मानस। 200 डे मा से रिवर्सल जी। हेलो मानस जी। देखिए बजाज फाइनेंस पे आपका आउटलुक। देखिए, दो दिन पहले बजाज फाइनेंस ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। कल 6600 के लोज बने, वहां से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वो रिकवरी 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे आके फिर फिजल आउट हो रही है। मेरा समझना है कि जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। बिल्कुल यहाँ पर वापस आप 6600 तक के स्तर देख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आपको शॉर्ट करना चाहिए। बेटर आइडिया है कि आप ऑप्शन के जरिए इस मंदी को खेले। 6700 का पुट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 209 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, यहाँ पर आपको करीब 174 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 300 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस ये एक स्टॉक है अगर आप देखें जो प्रेशर में है, और एक स्टॉक प्रेशर में है जो अगेंस्ट अगर आप देखें तो इस वक्त जो माहौल है उसमें वो है टाटा पावर। टाटा पावर का ये बिहेवियर थोड़ा सा अगर आप देखें, आपको थोड़ा सा